हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में सीखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको मैं आपको बहुत ही स्मार्ट और इजी अप्रोच में सोल्यूशन करके हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, ये चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सीखें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आप किसी भी कोचिंग्स में नहीं सीख सकते। सो प्लीज़ गाइस, वॉच टिल टू एंड एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। माइसेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। DI हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैथ सेक्शन से, क्योंकि DI बहुत ही इजी होती हैं, जिनको हम एटलीस्ट 3 मिनट्स में हम अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। बट ये चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए आज मैं आपको जो बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे DI से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए कि हम DI के भी क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें अदर सेक्शन भी देखने होते हैं। सो ये चीज़ें हमारी स्कोरिंग है, इसलिए DI को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ ट्रिक्स हैं, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि हम अपने इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, और साथ ही साथ सीखेंगे कि नॉर्मल स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर कैसे सॉल्व करेगा। तो ये चीज़ें डिफरेंसेस देखेंगे और आप भी समझ पाएंगे कि सर जो बोल रहे हैं ये चीज़ें एक्चुअल में करते हैं, जो स्टूडेंट टॉप होते हैं, टॉपर होते हैं, वो यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। और अब आप भी यही चीज़ें अब यूज़ करेंगे अपने अर्थमेटिक सेक्शन में DI को लेके, क्योंकि DI हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बताना भी चाह रहा हूँ कि चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इजी होती हैं, बस सही अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये DI का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो गाइस इस चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस का आया हुआ क्वेश्चन है बैंक PO में। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्कूल प्लेइंग वेरियस गेम। तो यहाँ पे देखिए हमारे गेम्स दे रखे हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस एंड बैडमिंटन, और इसमें से स्कूल हमारे A, B, C, D एंड E, और इनसे रिलेटेड हमें डेटा दे रखा है कि जो स्कूल ए है उसमें फुटबॉल के स्टूडेंट कितने हैं, 125, सेम एज बास्केटबॉल 175। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें हमारी एक डेटा दे रखा है और इस डेटा से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि कैसे अप्रोच से यूज़ करके हम लोग अपने आंसर्स पे आएंगे, वो भी स्मार्टली। तो प्लीज़ गाइस, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप सीखिए और अपने पेपर्स में इम्प्लीमेंट्स कीजिए जल्दी से जल्दी आंसर लाने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन इस DI से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल ए आल्सो प्लेइंग बैडमिंटन, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल ए। तो देखिए, इसका मैं हिंदी बता देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20% ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल जो खेल रहे हैं यहाँ पे ए में, तो 125 जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और इसमें से 20% स्टूडेंट जो हैं वो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो बैडमिंटन खेल रहे हैं ए में वो कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि हमें बैडमिंटन के स्टूडेंट बताने हैं कितने, तो और हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइज देखिए, ये क्वेश्चंस है, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो 20% निकालेगा, जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा। तो ये मैं लिख देता हूँ नॉर्मल स्टूडेंट,
अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दी से वो क्या करेगा, 20% निकाल लेगा किसका, 125 का। तो यहाँ से वो करेगा 125 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, तो वो ये 0 काटेगा, ये 2 से ये 5 काटेगा, एंड देन ये 5 को काटेगा, तो ये कितने टाइम कट जाएगा हमारा, ये हमारा तो ये कट जाएगा हमारा 25 टाइम। तो ये 25 जो आ गया स्टूडेंट, और वो बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं यहाँ पे, बैडमिंटन यहाँ पे 75 खेल रहे हैं, तो ऐड कर देगा, मतलब कि 25 प्लस 75 टोटल कितना हो गया, टोटल 100। नाउ दिस इज आंसर। ये नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह अप्रोच करेगा, बट ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। कितना कैलकुलेशन करेंगे गाइस, इन चीज़ों को तो आप अवॉइड करिए ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही हमें टाइम टेकन हो जाती है। अगर सपोज कर यहाँ पे थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन आ जाती, तब आप इस क्वेश्चन को मोस्टली ड्रॉप ही करके चले आते हैं। लेकिन देखिए, अब एक स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच करेगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट उसी टाइम पे ये चीज़ें कर रहा है जो हम लोग 10th क्लास में करते हुए चले आ रहे हैं, जो सिखाया गया। लेकिन ये हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड है। यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में आंसर ला सकते हैं, और एक स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा वो कैसे अप्रोच करेगा इस क्वेश्चन को। सो गाइस देखिए, स्मार्ट स्टूडेंट क्या सोचेगा, 20%, 20% किसका, फुटबॉल में स्कूल ए जो हमारा 125 है, इसका वो कैसे निकालेगा। देखिए 100, अब हमें पता है कि जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे 125 ये क्या है, अपने आप में 100% है। तो ये जो स्टूडेंट होगा वो अपनी ये चीज़ें माइंड में करेगा। तो चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन होगी। देखिए कैसे, जैसे कि वो समझ जाएगा कि 100% हमारा कितना होगा, 125। देन 10% क्या होगा, 10% सिंपली 12.5 होगा, क्योंकि डेसिमल एक हमारा शिफ्ट हो जाता है ना 10% में। तो ये चीज़ें वो सोचेगा। तो देखिए 10% कितना आ गया है, 12.5, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा इसका, 12, 12.5 का डबल कितना हो जाएगा, 25। तो वो देखिए डायरेक्ट जल्दी से आ गया ना 25। ये सिर्फ वो माइंड में कर रहा है, ये पेपर पेंसिल पे वर्क नहीं कर रहा है। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई ये सिर्फ माइंड में करनी है। और देखिए, और बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं, बैडमिंटन 75 है, और प्लस 75 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हमारा 100 आंसर। तो नाउ ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो गाइस चीज़ें समझ रहे होंगे, अभी देखेंगे और भी क्वेश्चंस भी देखेंगे, ऐसे ही अप्रोच करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स में आएंगे। तो चीज़ें इजी हैं, बस अप्रोच हमारा अच्छा होना चाहिए जो एक स्मार्ट स्टूडेंट करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एटलीस्ट जो चीज़ें ये हम लोगों ने सोचा है, सिर्फ 10 सेकेंड में ये क्वेश्चंस का आंसर आ गया, और एक नॉर्मल स्टूडेंट था वो इसको कट कर रहा था, 125 निकाल रहा था, 20% डिवाइड बाई 100। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये करना है तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। ओके गाइस, तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग ऑल द गिवन गेम्स फ्रॉम स्कूल बी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम दैट स्कूल। क्वेश्चन ये है हिंदी में, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कह रहा है डिफरेंस बताना है बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ प्लेइंग ऑल द गिवन गेम्स फ्रॉम स्कूल बी, मतलब कि जो स्कूल बी में जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सारे गेम्स खेलते हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है, और फिर निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम दैट स्कूल, मतलब कि बैडमिंटन जो ये खेल रहे हैं 125, इनका हमें ये स्कूल बी में जितने भी गेम्स खेल रहे हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इनका हमें एवरेज निकालना है, और उस एवरेज को हमें 125 से माइनस करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का अप्रोच एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा और एक स्मार्ट स्टूडेंट, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब सपोज नॉर्मल स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, वो पहले तो क्या है कि एवरेज निकालने की कोशिश करेगा, तो वो जल्दी से पेन पेंसिल लेके
वो 250 लिखेगा, देन 200, 200, 210 एंड 125, तो वो इसको ऐड करेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा एंड ये 9, तो 985 आ जाएगा। 985 का वो तुरंत 5 से डिवाइड करेगा क्योंकि एवरेज निकालना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगा हमारा 197, ये हमारा एवरेज आ गया। अब क्या करेगा वो 197 को 125 से माइनस करेगा और आंसर लगा देगा 72। तो गाइस आंसर तो फाइनली आ गया, लेकिन टाइम गया वो तो देखिए, वो इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगाया, फिर माइनस किया, तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन बट ये एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है, तो हम लोग गाइस ये नहीं करने वाले यहाँ पे। और अगर आपने हमारा एवरेज का पार्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया है, और वही चीज़ एक स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखिए गाइस, अब एक स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखता है, तो देखिए वो जो स्टूडेंट है उसको क्या पता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एवरेज का इम्पोर्टेंट टूल है, और एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ही बेस है, और इन चीज़ों को समझना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हम लोग डीआई में इसका बहुत ही भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो बी है, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है एवरेज, अगर माने तो एवरेज यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 200, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 है, यहाँ पे भी 200 है, और यहाँ पे भी 200 है, इसमें भी 200, यहाँ पे 125 है। तो देखिए मान लेते हैं कि एवरेज 200 है, तो देखिए यहाँ से हमने 50 उठाया इसको, और यहाँ से हमने 10 उठाया, तो कितना हो गया 60 हो गया, और 60 हमने यहाँ पे दे दिया इसको, तो ये कितना हो गया 185। तो लेकिन 200 तो हुआ नहीं, तो कितना कम हुआ 200 में, 15 कम हुआ, तो 15 ये तीनों ही देंगे, तो 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3। तो मतलब कि क्या है कि 3 3 3 रुपए सब लोग जो हैं वो बैडमिंटन को दे देंगे, तभी इसकी 200 पूरे हो जाएंगे। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे एवरेज के वीडियोस देख सकते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाएंगे। तो देखिए गाइस, अब हमने तो माना था कि 200 है, लेकिन 200 नहीं है एवरेज, क्योंकि उसमें 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 3 रुपये जो हैं वो क्या है बैडमिंटन को दे देंगे। तो मतलब कि 200 तो हमने माना था, लेकिन 200 ना होके हमारा 197 एवरेज आ गया। चीज़ें समझ होंगे कि मैंने कैसे बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने माइंड में सेट किया कि क्योंकि हमें दिख रहा है बी में जो स्कूल्स हैं वो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, उसमें हमें 200 सब में कॉमन दिख रहा है, तो हमने मान लिया कि 200 हमारा एवरेज है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, हमें इसके लिए चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए यहाँ पे हमारा 250 है, 250 को हमने उठाया और ये हमने 10 को उठाया, तो यहाँ पे ये 200 हो गया, और ये हमारे पास कितना 60 बचा, तो हम 60 क्या है बैडमिंटन को दे देंगे, तो यहाँ से हमने इसको ऐड किया तो कितना आया 185 आया, लेकिन फिर भी 200 नहीं हो पाया क्योंकि 200 हमने क्या माना एवरेज। बट फिर क्या करेंगे, कितना कम है 15 कम है, तो 15 में से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज में हम लोग कितना निकाला ये 3, मतलब कि क्या है 3 3 अगर ये लोग सब देंगे तो इसको बैडमिंटन को 200 पूरे हो जाएंगे। तो मतलब फिर क्या हुआ कि हम लोग 200 तो हमने माना, लेकिन एवरेज कितना है हमारा 197 है, बस 197। और फिर क्या कह रहा है, स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन डेट फ्रॉम स्कूल, मतलब डिफरेंस हमें निकालना है बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें स्कूल बी में है, और हमें बैडमिंटन से हमें निकालना है डिफरेंस, तो बस माइनस कर देंगे हम लोग 125 को, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। नाउ दिस इज आंसर। देखा गया, चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट थी, बट चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तभी जल्दी से अपने आंसर्स पे आ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, तब देखिए समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइज, ये चीज़ें करने में एक स्मार्ट स्टूडेंट को कितना टाइम लगा, एटलीस्ट वो 10 सेकेंड में अपना आंसर निकाल लिया। उसे कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, ये तो स्मार्ट अप्रोच था, बस उसने 200 एवरेज माना, लेकिन यहाँ पे देखा कि 125 है और 185 हो रहा है, फिर भी कितना कम है, 15, तो 15 का उसने निकाल लिया। तीन कितना, तीन तीन लोग, अगर ये तीन क्रिकेट और टेनिस, अगर ये सब तीन तीन दे देंगे तो जो बैडमिंटन के हैं 200 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 माइनस कर दिया तो एवरेज कितना आ गया, 197। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। तो गाइज यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है क्रिकेट और टेनिस के स्टूडेंट का एवरेज निकाल के। अब गाइज एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो इन चीज़ों को ऐड करेगा, जैसे कि क्रिकेट है जी हमारा, क्रिकेट है और क्रिकेट के सारे नंबर्स को ऐड करेगा, तो मतलब क्या है, 250, 200, 225, 215 एंड 200। तो वो क्रिकेट की इन चीज़ों को ऐड कर, क्योंकि क्या कह रहा है, फ्रॉम ऑल स्कूल मतलब ए बी सी डी ई, तो यहाँ से इसको जब ऐड करेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1090। और इसका वो एवरेज निकालेगा, 1090 डिवाइड बाय 5 करेगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 218। तो ये क्रिकेट का हमारा एवरेज आ गया। अब देन टेनिस का निकालेगा, तो टेनिस के लिए भी वो सारी चीज़ों को लिखेगा, 240, 210, 200, 130 एंड 165। तो वो इन चीज़ों को ऐड करेगा तो 945 आएगा, एंड देन 945 को वो 5 से डिवाइड करेगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 189। और फिर क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो मतलब कि 218 माइनस 189। तो जब इसको माइनस करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो आंसर हमारा 29 आ गया। बट ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगा, ये हमें नहीं अप्लाई करना है, ये हमारा एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशन की तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 3 मिनट्स चले जाएंगे, बट डीआई में हमें इतना टाइम नहीं देना है, हमें इसको स्मार्ट वर्क में जल्दी से आंसर लाना है। तो अब एक स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, वो आइए देखते हैं, और वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देखेगा एवरेज के। अब देखिए हमें यहाँ पे क्रिकेट का क्या, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या है, क्रिकेट के एवरेज निकालेगा, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के स्मार्ट अप्रोच में। तो देखिए क्रिकेट में देखिए उसने कॉमन क्या उसे दिख रहा है कि उसे सब में हर स्कूल में 200 तो एटलीस्ट लोग है ही हैं है। तो वो सपोज़ कर लेता है 200 हमारा एवरेज है, तो देखिए यहाँ से 50 उठाएगा और ये 25, तो कितना होगा, 75, एंड देन ये हमारा कितना है, 15 है, तो 15 भी ऐड हो गया, तो कितना हमारे पास है, 90। तो ये 90 आ गया, और 90 को वो 5 से डिवाइड करेगा तो कितना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, तो मतलब क्या है, हमने तो एवरेज 200 माना, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट में 18 प्लस है। अब टेनिस में आते हैं, तो टेनिस में देखिए यहाँ पे भी 200 ही हम वो एवरेज मानना है। ओके, मतलब जो स्टूडेंट है टेनिस में भी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से वो टेनिस में क्या देख रहा है कि 200 उसने एवरेज मान लिया। तो देखिए यहाँ से फिर वो 40 उठाएगा और ये 10 उठाएगा, 50 हो गया, वो 50 इसको दे देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कितना कम है 200 लाने में, यहाँ पे 20 कम है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 कम है। और यहाँ पे देखिए 200 करने के लिए कितना कम है, 165 में 200 करने के लिए कितना कम है, 35 कम है। यहाँ पे देखिए 200 करने के लिए यहाँ पे कितना कम है, 35 कम है। तो मतलब क्या है, ये 35 और 20 ऐड करेगा, 35 प्लस 20 ये कितना आया, 55। और इसका एवरेज निकालेगा, वो इसे 5 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 11। मतलब कि
जो ये टेनिस है एवरेज तो उसने 200 माना था, लेकिन कितना कम है, ये 11 कम है। अगर यहाँ से देखें तो हमने जो क्रिकेट से निकाला था, क्रिकेट में हमने कितना पाया, 200 से 18 प्लस है, मतलब क्या है 218। और यहाँ से टेनिस में जब हमने निकाला तो देखा क्या है कि 11 कम है, तो मतलब कितना इसको लिख सकते हैं, 189। चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो बस अब देखिए ये चीज़ें नहीं करना था, जो ये मैंने आपको बताया ये नहीं करना था। आंसर हालांकि यहाँ से भी आ जाएगा, बट ये चीज़ें नहीं करना है। बस ये चीज़ हमें एक नोट कर लीजिए, एक रूल है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। तो देखिए ये हमारा 18 है, ये हमारा कितना है, 11 है, तो 18 प्लस 11 कितना आ गया, 29। नाउ दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगर यहाँ से भी अगर हम लोग डिफरेंस देख लें, 218 माइनस 189, तो यहाँ से भी इसका डिफरेंस हमारा 29 ही आ रहा है। बट चीज़ें यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन में, एडिशन में, माइनस में टफ है। और यहाँ पे देखिए छोटा नंबर है, जल्दी से प्लस हो गया, क्योंकि मैंने रूल आपको क्या बताया कि डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। ओके गाइस, चीज़ें इजी हैं, बस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अभी देखिए मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, वो चीज़ें भी देख लेते हैं जो मैंने आपसे रूल बोला है। रूल मैंने आपसे क्या बताया है कि डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेजेस इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। तो इस हेल्प से हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को निकालते हैं, इसी क्वेश्चन को और भी स्मार्ट अप्रोच से, जो कि हमारा मेथड थर्ड होगा। अब देखिए मैं जो रूल आपसे बताया था उस रूल को यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपने आंसर्स पे आएंगे, और ये मेथड हमारा थर्ड है। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये क्रिकेट्स के हमने सभी प्लेयर्स में जो स्टूडेंट खेल रहे हैं वो हमने लिख लिए हैं। जैसे कि क्रिकेट में हमारा ए स्कूल में 250, फिर बी में 200, सी में 225, 215 एंड 200। सेम एज हमने टेनिस के भी सारे स्कूल्स के प्लेयर्स लिख लिए। तो मैंने जो आपसे रूल बताया था डिफरेंसेज बिटवीन द एवरेजेज इज सेम एज द एवरेजेज ऑफ द डिफरेंसेज। तो देखिए यहाँ पे इनका ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 240 है और ये कितना है, 250 है। तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 210 है और यहाँ पे 200, तो ये कितना कम है, -10। अब यहाँ पे देखिए 200 है और यहाँ पे 225 है, तो कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए 130 है और यहाँ पे 215 है, तो मतलब कितना ज़्यादा है, ये 85, 85 ज़्यादा है। अब गाइस फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 165 है, ये 200 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये हमारा 35 ज़्यादा है। अब जो चीज़ें मैंने आपसे बताई थी कि डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेजेस इज सेम एज द एवरेजेस ऑफ द डिफरेंसेस, तो वहाँ पे देखिए अब क्या है, इन चीज़ों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 10, 25, ये हमारा 10, 25, 85, 35, तो हमने इसको ऐड कर लिया, कितना है, 155, और इसमें से ये 10 माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 145 आ जाएगा। देन नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 145 डिवाइड बाई 5 करें, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो देखिए गाइस अब इसको हम लोग कट कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। बट एक दूसरी चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम लोग क्या जस्ट डबल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 हमें दिख गया, तो 145 का डबल कितना हो जाएगा, 290, माइनस इसका 5 का डबल, 10, तो देखिए 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 29, तो मतलब क्या हुआ हमारा, इसका आंसर कितना है, 29, जो हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिकेट्स एंड टेनिस के स्टूडेंट्स का है एवरेज में। तो कितना आ गया आंसर हमारा, 29। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये चीज़ें कितनी इजी हैं, बस इन चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करना इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से आएंगी और चीज़ों को समझ के आएंगी, क्योंकि मैन्युअली मेथड करना तो बेटर है, लेकिन टाइम भी तो हमें उतना मैनेज करना है अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये चीज़ें स्मार्ट अप्रोच से ही आएंगी और स्मार्ट प्रैक्टिस से आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल सी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल
फ्रॉम स्कूल ई। अब देखिए यहाँ पे हमसे अप्रॉक्सीमेटली आंसर पूछा है, नॉट एग्जैक्ट आंसर। और क्वेश्चन में देखिए कह रहा है बास्केटबॉल, हमें मतलब बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल सी। सी कित कहाँ पे है, सी देखिए हमारा ये है 195। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम ई। तो यहाँ पे ई हमारा कितना है 225, जो कि बास्केटबॉल है ई स्कूल में। अब देखिए गाइस हमें यहाँ पे परसेंटेज बताना है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो 195 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा। तो अब बस यहाँ पे तो कर देगा, लेकिन कैलकुलेशन भी तो बढ़ गई। इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच करेंगे। तो अब वो स्टूडेंट इसको डिवाइड करेगा, 5 से कट करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 और ये हमारा आ जाएगा 39। फिर देखिए फिर वो इसको कट करेगा और 45 को ये 9 टाइम कट जाएगा और ये 20 टाइम 100। देन फिर यहाँ से 3 से काटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा कितना आ जाएगा 13। तो अब यहाँ से 13 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 260 डिवाइड बाई 3। देन यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86.67। तो अल्टीमेटली आंसर तो वो ला दिया, बट चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो चीज़ हम यहाँ पे बचने के लिए यहाँ पे हम लोग स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो वो चीज़ें सीखे कि अब हम लोग इसको परसेंटेज के क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट बताना है, नॉट एग्जैक्टली, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बट हम लोग जो मेथड सीखने वाले हैं उससे हम एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमसे अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहे हैं, तो हम लोग सिंपल अप्रॉक्सीमेटली आंसर लगाते हैं। तो हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है 87। अब हम लोग स्मार्ट अप्रोच सीखते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए स्मार्ट अप्रोच में पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, तब हम स्मार्ट अप्रोच में आते हैं। तो देखिए अगर सपोज़ करिए कि कोई आदमी है 200 रुपये कमाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई आदमी है मैन, वो कितना है 200 रुपये अर्न करता है, तो ये 200 रुपये उसके लिए क्या हो गई, 100% हो गई ना अर्निंग। और फिर कह रहे हैं कि वो 150 रुपये खर्च कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है। तो अब बताओ कि खर्च जो कर रहा है उसका प्रतिशत कितना है। तो हम लोग क्यों निकालें ये चीज़, सिंपल हम लोग इसमें क्या करेंगे कि वो कितना सेव कर रहा है। तो देखिए 1/4 सेव कर रहा है ना, और 1/4 कितना है हमारा 50 रुपीज़, क्योंकि वो 150 रुपये अगर खर्च कर रहा है 200 में, तो उसके पास कितना बचा 50, और 50 जो है हमारा कितना है 1/4, वरना कि 1/4 है। और हमें पता है कि जो 1/4 है वो कितना होता है, वो 25% होता है ना, तो ये सेविंग हो गई और एक्सपेंस कितना हो गया 75। तो देखिए हमने उल्टा निकाला, तो एक्सपेंस इसका कितना आया, जो आदमी है वो 75% खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, और सेव कितना कर रहा है 25% सेविंग कर रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यही चीज़ें अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो चीज़ों को समझिएगा और जल्दी से चीज़ें कर आंसर में स्मार्ट लगेंगी। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम द स्कूल सी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम ई। तो देखिए जो चीज़ें पूछा वो हम नहीं निकालेंगे, इसका हम उल्टा निकालेंगे। तो देखिए ई है ना, तो ई हमारा यहाँ पे 100% होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में क्या 100% होता है। तो 100% हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, और हमें पता है 10% कितना होता है 2.5, देन 1% कितना होगा, 1% हमारा होगा 2.25, क्योंकि ये चीज़ें तो पता है ना कि हम जल्दी से डेसिमल शिफ्ट करके 110 और 1% निकाल सकते हैं। अब देखिए गाइस और हमें कंपैरिजन किससे करना है, जो बताना है अप्रॉक्सीमेटली वो सी से बताना है। तो देखिए
225 का डिफरेंस कितना है, 195 में 30 का है, और यही हमें बताना है। तो देखिए, अब देखिए 10% कितना है हमारा, 10% हमारा है 2.5। तो यहाँ से देखिए 10% हमारा कितना है, 2.5 इसमें से, तो कितना बचा, अब हमारे पास बचा है 7.5, 7.5। तो देखिए 1% हमारा कितना है, 1% हमारा 2.25 है, तो 3% हमारा कितना हो जाएगा, 6.75, और देन 4% हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये 4% के अंदर ही आ रही है ना, क्योंकि ये टोटल 9 हो जा रहा है और हमें 30 चाहिए। और गाइस देखिए टोटल हमने यहाँ से कितना निकाल लिया है, क्योंकि देखिए 10% हमने कितना निकाला है, 10% हमने निकाला है 22.25, और देखिए 6 जो ये हमारा 3% है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा है 6.25, और ये हमारा कितना है 3%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए गाइस जो मैं कर रहा हूँ, जो ये हमारा 30 डिफरेंस आया है, ये हम परसेंटेज पता कर लेंगे और उसको 100 से माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने ये परसेंटेज वैल्यू लिख ली, 100% हमारा पता है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 10% इसका जस्ट एक डेसिमल अंदर ले आते हैं, वो हमारा 10% हो जाएगा, और 1% फिर हमने एक डेसिमल अंदर शिफ्ट कर लिया, तो ये हमारा 2.251% हो गया। तो देखिए 10% हमारा कितना है, 10% हमारा 2.22.5 है, मतलब कि ये 10% हमारा 22.5 है। अब हमें कितना चाहिए 30 लाने के लिए, हमें जो इसमें बचा है वो बचा है 7.5। ओके तो देखिए, और ये देखिए यहाँ से 3% और मिल गया, तो ये कितना हो गया 6.75। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये 30% हमारा हो गया ना, 29.25। चीज़ें समझ रहे हैं ना, और हमें कब कितना चाहिए, 0.75। तो देखिए मतलब यहाँ से अब हमें अप्रॉक्सीमेटली पता चल गया है कि अगर हम लोग 100 से इसको माइनस कर दें 13 को, तो कितना आ जाएगा, 87। क्योंकि जो ये हमारा 0.75 में, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी वैल्यू तो निकाल ही ली है, 29.25 की वैल्यू यहाँ से कितना परसेंट है, 13%। तो बस 100% में माइनस 13 कर दिया, तो कितना है, 87। तो गाइस इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 87। तो देखा चीज़ें थी इजी, बट चीज़ों को इजी करने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी, वो चीज़ें यहाँ पे सिंपल से स्मार्ट अप्रोच में बता दिया। और परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे और आगे भी सीखेंगे, इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपने। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो गाइज, आई नो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, सो प्लीज़ गाइज जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव उन फ्रेंड्स तक आने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि कोचिंग्स की इतनी बड़ी बड़ी फीस होती है, जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो घर पे ही फिर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए मैं अपने चैनल्स के थ्रू उन स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ कि जो कोचिंग्स में नहीं सिखाया जाता वो मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों को सिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंस, एंड कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।